दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखी सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक बलिया से लगाई न्याय की गुहार। मामला बलिया जनपद के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के शीतल दबनी गाँव का है, जहाँ विगत दिनों पूर्व डीह की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो जाने से गोली चल गई थी, जिसमें पीड़ित पक्ष के अनुसार बांसडीह रोड थाना प्रभारी निरीक्षक राज कपूर द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए एक पक्षीय मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं दूसरे पक्ष ने न्यायालय के आदेश से 156(3) के तहत 18 नामजद व 26 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक बलिया से किस प्रकार से न्याय की गुहार लगा रहा है, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से। मैं कैश सिंह शीतल दबनी का निवासी हूँ। 4 तारीख को 4 दिसंबर को मेरे गांव में गोली चली थी, जिसमें राघवेंद्र सिंह को मुलजिम बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मुकेश कुमार सिंह थे, मेरी पुरानी रंजिश है, जिसके खिलाफ में मेरे घर वाले ने एक केस किया था, जिसमें पिछले हफ्ते वारंट कटी थी बलिया न्यायालय से, जिसे नाराज होकर मेरे भाई को फंसाया गया है। और जिस जमीन के लिए वहाँ गोली चली थी, वो जमीन का मामला न्यायालय में बलिया न्यायालय में दाखिल है, जिस पर बाहर के बदमाश बुलाकर अगर मुकेश कुमार सिंह की सीसी फुटेज और वहाँ के फर्जी पंकी कुमार सिंह है, जिसके पास पिस्टल बरामद की थी 100 नंबर की पुलिस ने, जिसका वीडियो मेरे पास है, वो पिस्टल मेरे भाई पर दिखा दिया गया है। अगर सीसी कैमरा मंगा लीजिए पंकी सिंह का और मुकेश कुमार सिंह के घर का, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या किया गया है उस दिन, कहाँ से टीम बुलाई थी। उसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह की पत्नी ने अपने बचाव के लिए 112 नंबर की पुलिस बुलाई, 112 नंबर की पुलिस आई सहायता करने के लिए, उल्टा महिमा सिंह के भांसुर को और ज्ञानेंद्र सिंह के भतीजे को उठा के लेकर चली गई। मुकेश कुमार सिंह आराम से बैठ कर वहाँ घिरवा रहा है जमीन ज्ञानेंद्र सिंह के दम दरवाजे से। ज्ञानेंद्र सिंह को अगर दुश्मनी करनी होती तो न्यायालय में मुकदमा करते हैं, न्याय के लिए भटकते हैं। उन्होंने रिट दाखिल किया है हाईकोर्ट में, जिसमें बांडी रोड थाना की पुलिस भी मुलजिम बनी है, जिससे नाराज होकर राज कपूर सिंह ने जबरदस्ती 4 तारीख को वहाँ घिरवाना शुरू कर दिया। कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिला। उसके बाद इन लोगों को एक डर था कि ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु जी बाहर रहेंगे तो ये जोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उस जमीन के लिए झगड़ा विवाद तो होगा ही, कोई सहायता नहीं देगा तो भाई कोई भी जमीन के लिए झगड़ा करता है। लेकिन वहाँ देखिए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रमेश सिंह गुडू टहल रहे हैं, जो कि यहाँ NCC की राह का रहने वाला है। सीसी कैमरा में देखिए कितने अपराधी को लेकर वो आया है, हथियार भी लेकर आया है, और उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करना चाहा, हवाई फायरिंग भी अपने ही करवाया है, हवाई फायरिंग करवा कर मुकदमा लिखवा दिया सब पर कि इन्हें भग जाए उसके घर वाले, ऐसा नहीं होगा। ये बताइए मुकेश कुमार सिंह के ऊपर 30 गोली चलेगी वो बच जाएंगे? वो खुद वो हवाई फायरिंग कर रहा है, अगर मनु सिंह को माना होता तो उसको मार देते जान से ना, कोई घायल ही नहीं हुआ, अब मुकदमा 307 का दर्ज हो गया। ये सब साजिश किया गया है, इसलिए मैं बलिया SP साहब से निवेदन करूंगा कि आप दूसरी टीम को रखकर जांच कराएं, मामला न्यायालय में उचित है, इनके खिलाफ भी मेरे द्वारा 18 नामजद 26 पर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है।